बिहार पुलिस मद निषेध का कितना कट ऑफ जा रहा है, कितने छात्रों ने कितना स्कोर किया है, आइए सभी चीजों को हम लोग जानते हैं। क्यों इस बार कट ऑफ कम जा रहा है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसा था, कहां कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए इन सभी चीजों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जितने भी छात्र या छात्राएं बिहार पुलिस में मद निषेध का एग्जाम देकर के आए हैं, वो चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, उन सभी का कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्यों थोड़ा सा कट ऑफ में आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा पिछले साल की अपेक्षा, मतलब इसके पीछे जो एग्जाम हुआ है, आइए उन सभी चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। कितने छात्र ने एग्जाम दिया, क्वेश्चन पैटर्न आप लोग का कैसा था, और आप लोग को अपने अंदर क्या सुधार करना चाहिए ताकि अगले बार जब आप बिहार पुलिस का एग्जाम दें तो इससे बेटर हो, और किस बुक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये सभी चीज पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 2023 का जो कट ऑफ बिहार पुलिस मद निषेध का प्रोविजन डिपार्टमेंट जो आपका है उसमें 689 पोस्ट निकला था, अच्छा खासा पोस्ट है। इसके पिछले बार जो पोस्ट निकला था उससे तो बहुत ज्यादा पोस्ट इस बार निकला, इसके कारण भी आप लोग का कट ऑफ पे अंतर पड़ता है। उसके बाद देखेंगे कि फिजिकल में आप लोग का कितना लोग को लिया जाएगा, जैसे कि आप लोग एग्जाम देके आ गए, आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए। आपका सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न सबसे पहले होता है, फॉर्म भरे होंगे, एडमिट कार्ड आया होगा, रिटर्न का एग्जाम आप लोग दे दिए, उसके बाद आप लोग का फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोग का क्या होगा, मेडिकल और मेरिट लिस्ट बनना है। तो आप लोग का रिटर्न हो गया है तो इसी का कट ऑफ बताएंगे, और इसके बाद आप लोग का फिजिकल होगा, ठीक है। जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे यानी कि कट ऑफ में आएंगे, इस कट ऑफ में इसको समझेंगे अभी हम लोग, तो कितने लोगों को फिजिकल में बुलाया जाएगा, यह भी बहुत बड़ा मायने होता है कि यहां से लोग का सिलेक्शन यानी छात्र का सिलेक्शन पता चलता है कि कितने लोग वहां पे जा पाएंगे, और कट ऑफ पे इसका प्रभाव क्या पड़ता है। मात्र 5 गुना कैंडिडेट को ही ये फिजिकल में बुलाएगा, यानी कि रिटर्न के बाद जितने भी लोग को सिलेक्ट करेगा वो मात्र 5 गुना किसका, सीट का, 689 पोस्ट है आप लोग का, उसका 5 गुना लगभग 3445 यानी 3500 लगभग में, लगभग 3500 लड़के को बुलाएगा। कितना में, अब हम आपको बता दें कि टोटल जो स्टूडेंट इसमें थे वो 3,44,000, मतलब समझिए लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, और लगभग 3 लाख लोग ने इसका एग्जाम दिया है, 3,05,000 है, तो लगभग 3 लाख लोग ने इसका एग्जाम दिया है, एग्जाम में अपीयर हुए हैं। लेकिन एग्जाम देने से सिर्फ होगा नहीं, एग्जाम दिए हैं, आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप कट ऑफ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और यह भी बात है कि मात्र इतना ही लोग को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी लगभग 3500 लोग को ही सिलेक्ट किया जाएगा। अब वो कौन कौन होंगे उस पर आगे चर्चा करते हैं, और यह 3500 का सिलेक्शन होगा नहीं, अंतिम रूप से सिलेक्शन आप लोग का 689 का ही होना है। वो आगे रिजेक्ट होंगे यानी कि फिजिकल में होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ होंगे, कुछ मेडिकल में रिजेक्ट किए जाएंगे, और अंतिम रूप से 689 को ये वैकेंसी मिलने वाला है जिसमें लड़की और लड़के दोनों का पोस्ट है, आपको पता होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपको पता होगा कि आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा यानी मेरिट जो बनेगा वो फिजिकल के अनुसार बनेगा, रिटेन में सिर्फ कट ऑफ में आना है, क्वालिफाई करना है, इसमें आपका मेरिट से कोई संबंध नहीं है, यानी फिजिकल जो आपका होगा उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना आपको पड़ेगा, क्योंकि उसी के अनुसार आप लोग का रिजल्ट बनेगा। तो फिजिकल का हम एक सिलेबस ला देंगे, बस आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए कि फिजिकल का एक अच्छा सिलेबस ला दीजिए, क्या कैसे कब करना है वो सब चीज आपको हम बता देंगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम वीडियो ला देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। अच्छा सा, अब बात करते हैं 3 लाख लोगों में जो जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, मतलब 3 लाख लोग जो भी थे, लड़की हैं चाहे लड़के हैं सब मिला करके थे, वो जो भी एग्जाम दिए हैं, तो उनका मैक्सिमम स्कोर कितना था। अगर हम ऐसे देखने का प्रयास करेंगे मैक्सिमम स्कोर, तो कोई लड़का तो 90 भी बनाया होगा, अब चाहे जिस भी माध्यम से वो बनाया है। अब देखिए थोड़ा सा धांधली का भी बात आता है, बिहार का एग्जाम है, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा सतर्कता जो है बरता गया है, सरकार की तरफ से थोड़ा सा कड़ाइयत रखा गया है इस बार के एग्जाम में, इसी कारण से आप लोग के कट ऑफ पे प्रभाव पड़ते हुए नजर आ सकता है। ध्यान रखिएगा, पढ़ने वाले लोग थोड़ा सा ज्यादा पास किए जाएंगे इस बार सेटिंग वाले के मुकाबले, ठीक है। तो धांधली वगैरह थोड़ा सा कम हुआ है, और बहुत ही कम हुआ है, इसके कारण भी कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये 3 लाख स्टूडेंट में अगर मैक्सिमम स्कोर का बात करेंगे तो कोई 90-95 भी लाया होगा, लेकिन अगर हम जब एवरेज पे जाते हैं, जब बहुत सारे लोगों से पूछे, लड़कों से बात किए कि कितना आप बना करके आए, तो उनका यही कहना था कि लगभग 100 में से, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जीके जीएस था, कुछ करंट अफेयर्स भी हम उसमें देखे, जो कि बनने वाला नहीं था करंट अफेयर्स, अगर आप नहीं बनाया तो कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत लोग उसको छोड़ दिए होंगे क्योंकि इसका सिलेबस में जल्दी पूछता नहीं करंट अफेयर्स। तो जीके जीएस में सबसे ज्यादा हम थोड़ा सा देखे कि जीएस का क्वेश्चन उलझाऊ था, यानी कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन जो दिया गया वो थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी जीएस का जो ये जीके का जो क्वेश्चन था वो हिस्ट्री वगैरह था, गांधी जी का जो भी आंदोलन है गांधी जी पर क्वेश्चन था, और भी बहुत सारा चीज जो कि इतिहास से दिल्ली सल्तनत से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछे गए, जो कि आपको जो हम बुक सजेस्ट किए हैं उससे भी आपको होगा, और सभी क्वेश्चन लगभग उससे मिल ही जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें मैथ का जो क्वेश्चन था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन मैथ का ऐसा था जो किसी से नहीं बना होगा, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, यानी परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, एसआईसी से, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। और अगर हम बात कर ले इसी सब को मिला करके तो एक एवरेज स्टूडेंट का स्कोर कितना रहा होगा इस एग्जाम में, तो लगभग हम देखेंगे उनका कहना है कि 60
40 का अनुपात था, यानी कि 40 ये 60 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको हम कहीं ना कहीं पढ़े थे, याद था, बना सकते थे, नहीं बना पाए वो अलग बात है, लेकिन 40 क्वेश्चन ऐसा था जहां पे बार बार हमको कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, ये क्या है, यानी कि थोड़ा सा एग्जाम को टफ बोल सकते हैं पिछले बार के मुकाबले। जब भी बिहार पुलिस मद निषेध का एग्जाम हुआ है तो थोड़ा सा इजी पैटर्न पर हुआ है, इसका इजी क्वेश्चन आता है, आप बना सकते हैं, अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो एग्जाम लिया गया 2023 में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, यानी कि पहले जो भी एग्जाम हुआ है उससे थोड़ा सा इसमें अंतर था। तो यही अंतर है, इसके कारण होगा क्या, तो कट ऑफ में अंतर हो जाएगा। अगर हम मेल और फीमेल का अंतर देखेंगे तो वो यहां पे कुछ इस प्रकार से है, और क्वेश्चन का पैटर्न आपको बताया कि 10th लेवल का तो था, लेकिन आप जिस बुक को पढ़े होंगे या जिस भी बुक को आप फॉलो किएंगे, प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे, वहां से क्वेश्चन हो ना हो, लेकिन आपको हम जब बुक सजेस्ट किए थे, इसके पहले भी हम बुक सजेस्ट कर चुके हैं, यहां से जब हम क्वेश्चन मिलाने का प्रयास किए, टोटल क्वेश्चन यहां से दिया गया था, जीके जीएस में कहीं से भी क्वेश्चन आपका इसमें मिसिंग नहीं है, बशर्ते कि कॉन्सेप्ट को आपको पूरा कर लेना था। पूजा पब्लिकेशन का बुक आप लोग को हम सजेस्ट किए थे, उसके बाद देखेंगे यहां पे सामान्य ज्ञान का बुक है, इसमें टोटल चीज जीके जीएस का मतलब पूरा निचोड़ आपको मिल जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे दिया गया है। अगर आप लोग नेक्स्ट बार एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि फिर से आप दीजिएगा मद निषेध का या बिहार पुलिस का, तो आप इस बुक को लेकर के अच्छे से पढ़िए। गांधी जी के जो भी आंदोलन वगैरह हैं इसमें अच्छे से दिया गया है, सर जॉर्ज बार्लो के बारे में, लॉर्ड मिंटो के बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज दिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आप सटीक मार करके आइएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपका जीके में नहीं पूछेगा। ठीक है, काफी अच्छा बुक है, अगर आपको जरूरत होगा तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देकर के रखते हैं, वहां जाकर के आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, और नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं टोटल क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि आपको बताया कि साइंस का भी थोड़ा सा वेटेज एग्जाम में देखने के लिए मिला, फिजिक्स के क्वेश्चन ठीक ठाक थे, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन ठीक ठाक थे, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाव लग रहे थे, जो कि आप नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कैसा था। ठीक है, मैथ वगैरह सब इजी था, इंग्लिश भी काफी इजी था, हिंदी भी इजी था, बाकी सब नॉर्मल ही था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, वो थोड़ा सा लगता है कि बढ़ गया था पिछले बार के मुकाबले। ठीक है, था तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन था। अगर हम जनरल का बात करेंगे, कितना नंबर जनरल में लाना चाहिए आपको ताकि आप एक सेफ स्कोर में आ सकते हैं, फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपका मेरिट भी बना दिया जाए, उसके लिए देखिएगा 73 से 77 के बीच में जिसका नंबर आ रहा है, चार नंबर का प्लस माइनस लेकर के चलिएगा, मतलब ऊपर नीचे, ये चार नंबर का डिफरेंस है दोनों में, देख लीजिए इस सब में चार नंबर का डिफरेंस हम रखे हैं। अगर 73 से 77 के बीच में आपका नंबर आ रहा है, अब किसी को ये बहुत कम लग रहा होगा, अब किसी को ज्यादा भी लग रहा होगा, इसलिए ये कम और ज्यादा आपको लग रहा है क्योंकि आप इसको पिछले बार से कंपेयर कर रहे हैं। पिछले बार का मतलब कि सेटिंग ज्यादा हुआ था, सीट कम था, और वैकेंसी में थोड़ा सा दिक्कत होता था, क्वेश्चन वगैरह वायरल होने के कारण कट ऑफ हाई चला जाता है, और इस बार थोड़ा सा उस तरह का कोई प्रक्रिया नहीं सामने आया है। ऐसे तो बहुत सारा पेपर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लूटूथ पकड़ाया, यहाँ पे जैमर नहीं था, यहाँ पे ये नहीं था, लेकिन वो सब पकड़ा गया है, कहीं भी वायरल टाइप का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जो भी वायरल हुआ है वो एग्जाम के बाद हुआ है। पहले के एग्जाम में क्या होता था कि एग्जाम होते होते क्वेश्चन पूरा मार्केट में जो है पहुंच जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इस कारण से भी आपका कट ऑफ निर्धारित होता है। और 689 पोस्ट जो यहाँ पे दिया गया है ना, पोस्ट थोड़ा सा बढ़ा है, इस कारण से भी कट ऑफ कम जाएगा आप लोग का, तो पढ़ने वाले लोगों का जरूर इस बार सिलेक्शन होगा और फिजिकल में उनको मौका जरूर दिया जाएगा। तो करना क्या है आप लोग को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस अपने तैयारी को और बढ़ाना है, यानी फिजिकल आपको अच्छे से निकालना है, रिटेन आपने अच्छे से निकाला है, आप इतना स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद फिजिकल का तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, ताकि वहां पर रिजेक्ट होने के बाद थोड़ा सा पछतावा होता है कि रिटेन निकाल लिए, फिजिकल नहीं निकल पाया। ठीक है, जनरल में देखेंगे तो 73 से 77 मेल के लिए और 62 से 66 फीमेल के लिए, फीमेल का भी कट ऑफ कुछ ज्यादा इस बार से जाने लगा है, तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा, लेकिन इस बार उतना नहीं जाएगा, और यहां पे जितना लिखे हैं इतना ही लगभग आपका कट ऑफ जाने वाला है। एनालिसिस करके ही कोई वीडियो हम बनाते हैं, आपको पता होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 72-74 यानी कि चार नंबर का डिफरेंस यहां भी है, और 72-74 नंबर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आपका आरक्षण बना हुआ है, तो आप जरूर यहां पे इसमें आप तैयारी शुरू कर सकते हैं फिजिकल के लिए। और लड़की है तो 58-62 यहाँ भी चार नंबर का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, इतना में आप तैयारी आराम से शुरू कर सकते हैं। बीसी ओबीसी का जो कैटेगरी है बीसी का, इसमें 71 से 75 के बीच में अगर आप नंबर ला रहे हैं तो आप जरूर फिजिकल देने जाइए, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ कुछ इसी प्रकार से इस बार रहने वाला है, आप लोग को समझना चाहिए। ठीक है, अब बहुत ज्यादा कट ऑफ जैसे 80-85 आपको बोलेंगे 90 नंबर कट ऑफ जाएगा, तो वो बिना तुक का बात हो गया, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर था, जिस हिसाब से आपको सीट दिख रहा है, जिस हिसाब से एग्जाम
एग्जाम का जो सिचुएशन था यानी कि धांधली वगैरह का, वो सबको देख करके हम हर चीज बताते हैं जो कि आपको भी समझना चाहिए। बीसी में देखेंगे 59 से लेकर के 63 का फीमेल का, इधर पूरा फीमेल का है इधर मेल का है, और ईबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 68 से 72 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप आराम से इसमें सेलेक्ट कर दिए जाएंगे, और 55 से 59 में फीमेल का है, और एससी का देखेंगे शेड्यूल कास्ट का तो यहां पे 64 से 68 यानी 64 to 68 जिसका है वो आराम से तैयारी कर सकता है, और यहां पे 52 to 56 देखेंगे किसका है, एससी का फीमेल है, और एसटी 66 to 70 नंबर अगर आपका आ रहा है इसके बीच में आ रहा है तो आप आराम से तैयारी करिए, और 55 से लेके 59 यानी 55 से लेकर के 59 के बीच में अगर आपका है फीमेल है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे बात क्या है कि सिलेक्शन कितने का होना है। अब बहुत सारे लोग हो सकता है कि 73 77 के बीच में आ जाएंगे, लेकिन आयोग को तो लिमिट मात्रा में सेलेक्ट करना है यानी 3500 के करीब में लोग को सेलेक्ट करना है, इसके कारण भी कट ऑफ बढ़ जाता है ना। अगर यही सीट ज्यादा होता मतलब 10,000 लोग को यहां पे लेना होता तो आपका कट ऑफ आपको हम और कम बताते, और कम हो जाता, क्योंकि ज्यादा लोग सेलेक्ट होंगे ना, ज्यादा लोग कब सेलेक्ट होंगे जब कट ऑफ कम जाएगा। अब 73 है 70 कर देंगे तो ज्यादा लोग आ जाएंगे, अब 73 है 75 कर देंगे तो कम जाएंगे लोग, है ना। इस टाइप से आपका कट ऑफ भी निर्धारित होता है सीट के अनुसार भी, सिचुएशन के अनुसार भी, और क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार भी। आप लोग समझ पाए होंगे, तो सभी चीज का आपको हम जानकारी भी दिए आपके एग्जाम से संबंधित भी कि आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए किस बुक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया सब कुछ, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं, अच्छा होगा जीके जीएस के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ तो कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन का लेवल आपको बताए कि मॉडर्न टू हाई है, मतलब ये सॉरी मॉडरेट टू हाई है, मतलब पिछले बार के अपेक्षा अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बदला हुआ नजर आया, थोड़ा सा हार्ड किया गया है क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा भी नहीं है, किसी किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके दिया गया है जहां पर आप लोग को दिक्कत आया होगा। लेकिन अगले बार आप लोग को ध्यान देना है, नेक्स्ट बार जो भी वैकेंसी निकलेगा इसी सिलेबस पर, तो बिहार पुलिस का भी निकलता है, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का भी निकलता है, फायरमैन का भी निकलता है, तो सभी यही सिलेबस पर है, इसको पढ़ लीजिए, ये तीनों चारों में से कोई भी एक वैकेंसी जरूर आपके पास आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, आप फिजिकल का तैयारी शुरू कर दिए होंगे या जल्दी ही कर देंगे, अगर इस कट ऑफ में आप आ रहे हैं आराम से करिए, निश्चिंत होकर करिए और ढंग से करिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल का महत्व ज्यादा है, मेरिट आपका फिजिकल के अनुसार ही बनाया जाएगा, फिजिकल में जितना हाई स्कोर आप लोग करेंगे उतना अच्छा आप लोग का होगा, ठीक है। बाकी इसका सिलेबस क्या होता है नेक्स्ट बार प्रिपरेशन के लिए, आप यहाँ पे बिहार पुलिस का जो भी वीडियो बना हुआ प्लेलिस्ट यहाँ पे आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप पूरा वीडियोस देख सकते हैं, जो भी बिहार पुलिस पे बना हुआ है, मध्य निषेध पे बना हुआ है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है। और बाकी आप अगर चाहते हैं कि इसका फिजिकल के बारे में हम डिटेल में बताएं तो कमेंट नीचे कर दीजिए, लाइक वगैरह कर दिए होंगे, सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको मिल जाएगा सबसे पहले बिहार पुलिस से आधारित। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा, लिंक और लिंक के लिए कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।